आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा स्थित मऊगंज कस्बे की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए थाना प्रभारी द्वारा शुरू की गई मुहिम लगातार जारी है। यहां मुहिम के दौरान पुलिस की समझाइश के बाद भी सड़क पर वाहनों को खड़ा कर सवारी भरने वाले वाहनों को जब्त कर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सड़क के किनारे फैले अतिक्रमण व ठेलों को भी व्यवस्थित कराया जा रहा है। दरअसल मऊगंज थाने की कमान संभालने वाले नवागत थाना प्रभारी विद्यावारी तिवारी ने कस्बे में यातायात व्यवस्था को सुधारने की मुहिम शुरू की है। बीते 3 दिनों से चल रही कार्रवाई के बाद आज उन बस एवं ऑटो चालकों पर कार्रवाई की गई है जो सड़क पर खड़े होकर सवारियां भर रहे थे। आपको बता दें कि मऊगंज के मुख्य बाजार में चौड़ी सड़क होने के बावजूद ठेला और दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण की वजह से बीते कई वर्षों से नगर की यातायात व्यवस्था बदहाल थी, जिसे सुधारने की कवायद में यह मुहिम शुरू की गई है। मऊगंज थाना में ज्वाइनिंग के उपरांत मेरी जो नगर भ्रमण के दौरान गणमान्य लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने सब ने चिंता जाहिर की कि यहाँ का आवागमन जो है मार्केट में दुकान फैलाकर रखने लोग रखते हैं, ठेला लगाते हैं, ऑटो और बसेस खड़ी होती हैं, इस कारण से बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये बात पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराई गई मेरे द्वारा। साहब ने निर्देश किया कि वहाँ कार्रवाई करें और सुगम यातायात जनमानस को मुहैया कराने के लिए कार्रवाई की जाए। इस तारतम्य में विगत 3 दिनों से बसेस को, ऑटो और अन्य गाड़ियों का चालानी कार्रवाई किया जा रहा है और जो ठेला लगाने वाले लोग हैं उन्हें सख्ती से समझाइश दी जा रही है कि आवागमन को अवरोध न करें, जगह रोड छोड़ करके अपनी आज प्रणामी बस को कार्रवाई की गई है और उनको जुर्माना किया गया है।